भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे, वंदे। आपुनी केने आसे आप लोगों में जितनी एनर्जी है, जितना उत्साह है, जितनी जोर से आप बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आज ही आप हेमंत बाबू की सरकार उखाड़ के फेंक देंगे। अभी सबर रखिए, अभी थोड़ा टाइम है सरकार उखाड़ने में, अभी सबर रखिए। दोस्तों, असम के ऊपर, असम के एक एक परिवार के ऊपर माँ कामाख्या का बहुत बहुत आशीर्वाद है। सबसे पहले मैं माँ कामाख्या के चरणों में वंदना करता हूँ। श्रीमंत शंकर देव जी और उनके शिष्य श्रीमंत माधव जी, उनका असम के विकास में, असम में बहुत बड़ा योगदान रहा, उनको मैं नमन करता हूं। असम समाज में भाईचारे के साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्म, सभी जाति के लोगों को एक साथ लेके उन लोगों ने असम का विकास किया। ज्योति प्रसाद अग्रवाल जी, विष्णु प्रसाद राभा जी, डॉक्टर भूपेंद्र हजारिका, इन सब लोगों ने पंजाब की, असम की संस्कृति, साहित्य, संगीत में अपना बहुत योगदान दिया। इन सब लोगों को मैं अपनी बात रखने के पहले नमन करता हूं। असम को भगवान ने सब कुछ दिया है। भगवान ने इतने पहाड़ दिए, नदियां दी, इतना पानी दिया, ब्रह्मपुत्र नदी दी, इतना अच्छा मौसम दिया, इतनी हरियाली दी। जब भगवान ने असम को बताया, बनाया, तो भगवान ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इतना सब कुछ दिया भगवान ने, कोयला दिया, मिनरल्स दिए, लेकिन इन सारे नेताओं ने और इन सारी पार्टियों ने मिलकर सब बर्बाद कर दिया। आज पिछले 75 साल में आप लोगों ने 52 ईयर्स, 52 साल तक आपने कांग्रेस की सरकार बनाई, 52 साल तक, 52 ईयर्स। 10 साल आपने असम गण परिषद की सरकार बनाई, और पिछले 7 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। कम नहीं होते इतने साल। आपने इनको अपना विश्वास देने में, वोट देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन आज मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आपको बदले में क्या मिला? इतने साल आपने इन लोगों को वोट दिया, कांग्रेस को वोट दिया, असम गण परिषद को वोट दिया, भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, इन पार्टियों ने आपको क्या दिया? धोखा दिया। जिसको मौका मिला उसने लूट लिया, जिसको मौका मिला उसने लूट लिया। लूटा कि नहीं लूटा? हार के, इन पार्टियों से तंग आके आज 3.5 करोड़ असम के लोगों ने हम लोगों को न्योता दिया असम आने के लिए। मैं आप सब असम के लोगों का बहुत बहुत आभारी हूं। आपने इतना प्यार, इतने मान, इतने सम्मान के साथ मुझे, भगवंत मान साहब को, आम आदमी पार्टी के लोगों को असम में बुलाया। 2016 में हेमंत बाबू की सरकार बनी थी। दिल्ली में मेरी सरकार बनी थी, दोनों साथ साथ बनी थी। 2015 में दिल्ली में मेरी सरकार बनी थी, एक साल के बाद 2016 में हेमंत बाबू की सरकार बनी थी।
आज दिल्ली को हमने बदल के रख दिया 7 साल के अंदर। स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, सड़कें, शानदार दिल्ली बना दी हमने। हेमंत बाबू ने क्या किया 7 साल में? हेमंत बाबू ने कुछ नहीं किया, केवल गंदी राजनीति करी, गंदी पॉलिटिक्स की उन्होंने। अभी आज मेरे को आसाम आना था, 2 दिन से धमकी दे रहे हैं हेमंत बाबू टीवी चैनल के ऊपर, 2 दिन से धमकी दे रहे हैं, केजरीवाल आएगा मैं जेल में डाल दूंगा। ये क्या है यार, केजरीवाल आएगा मैं जेल में डाल दूंगा, मैं पुलिस से पकड़वाऊंगा केजरीवाल को। अरे मैं कोई आतंकवादी हूं? क्यों पकड़वाओगे मुझे? मैं हेमंत बाबू को बोलना चाहता हूं, आप आसाम के मुख्यमंत्री तो बन गए, आसाम की संस्कृति नहीं आई आपको। आसाम के लोग बहुत अच्छे हैं, आसाम के लोग बहुत प्यारे हैं, आसाम के लोग अपने अतिथि का स्वागत करते हैं, आसाम के लोग अतिथि आता है तो अपने घर ले जाके खाना खिलाते हैं, चाय पिलाते हैं, आदबगत करते हैं। आसाम के लोग जेल भेजने की धमकी नहीं देते। तो मैं हेमंत बाबू से निवेदन करता हूं, आप मुख्यमंत्री बन गए, थोड़ी सी आसाम की संस्कृति सीख लीजिए आप। और आज इस मंच से मैं हेमंत बाबू को आमंत्रण देता हूं कि जब दिल्ली आए तो मेरे घर चाय पीने के लिए आइएगा। अगर समय मिले तो थोड़ा खाना खाने के लिए भी आइएगा। मैं आपको दिल्ली घुमाऊंगा अपनी गाड़ी में। आपने तो 7 साल में कुछ नहीं किया, मैं आपको दिखाऊंगा दिल्ली में हमने कितने शानदार स्कूल बना दिए, मैं आपको दिखाऊंगा दिल्ली में कितने शानदार मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, अस्पताल बना दिए। तो हेमंत बाबू को आज मैं आमंत्रित करता हूं। आज मैं यहां पे आने के पहले मैं कई आसाम के गुवाहाटी के युवाओं से मिला। आज इतनी बेरोजगारी है, इतनी बेरोजगारी है आसाम के अंदर, है कि नहीं है? जो पढ़े लिखे हैं वो भी बेरोजगार घूम रहे हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं वो भी बेरोजगार घूम रहे हैं। एक एक युवा चीख चीख के कह रहा है कि मेरे को रोजगार चाहिए, मेरे को रोजगार चाहिए, मेरे को रोजगार चाहिए। हेमंत बाबू के पास टाइम नहीं है उनकी चीख सुनने का। हेमंत बाबू ने पिछले चुनाव के पहले बोला था हम बेरोजगारी दूर करेंगे, बेरोजगारी दूर हुई? सरकार कहती है 25 लाख बेरोजगार हैं आसाम के अंदर, 25 लाख नहीं है, कम से कम 50 लाख से ज्यादा बेरोजगार है आसाम के अंदर। लेकिन क्या किया इन्होंने बेरोजगारी दूर करने के लिए? कुछ नहीं किया इन्होंने। इनसे तो पेपर नहीं होते, पेपर करते हैं पेपर लीक हो जाते हैं इनके, पेपर लीक इनसे। जिस सरकार से पेपर नहीं होते वो क्या सरकार चलाएंगे? जिनसे पेपर नहीं होते, एक छोटी सी चीज पेपर नहीं होते, वो क्या सरकार चलाएंगे? दिल्ली में मेरी 8 साल से सरकार है, मान साहब की पिछले 1 साल से सरकार है, दिल्ली में तो पेपर लीक नहीं हुए आज तक एक भी। पेपर लीक क्यों होते हैं? कोई ना कोई अंदर बैठ के मिला हुआ है कि नहीं है? कोई ना कोई अंदर पेपर बेच रहा है। पेपर ऐसे ही थोड़ी लीक हो जाता है कि उड़ के चला गया बाहर। पेपर लीक होता है क्योंकि कोई पेपर बेच रहा है, कोई आपके बच्चों का भविष्य बेच रहा है। किसी को सजा मिली आज तक? किसी को सजा नहीं मिली। क्यों? ये लोग मिले हुए हैं ये लोग। दिल्ली के अंदर पेपर लीक नहीं होते, पंजाब के अंदर पेपर लीक नहीं होते, क्यों? क्योंकि दिल्ली में ईमानदार सरकार है, पंजाब में ईमानदार सरकार है। दिल्ली में
पिछले 7-8 साल में मैंने 12 लाख बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम किया, 12 लाख बच्चों के लिए। हम ईमानदार लोग हैं, 24 घंटे जनता के बारे में सोचते हैं। जनता एक आम आदमी के घर में आज उसका घर नहीं चल रहा, इतनी महंगाई हो गई है, बच्चे बेरोजगार हैं, एक जनता का दर्द समझते हैं हम लोग। 12 लाख बच्चों को मैंने रोजगार दिए। एक साल हुआ है भगवंत मान को, एक साल में 28,000 सरकारी नौकरियां इन्होंने दे दी बच्चों को। हमें रोजगार देना आता है। आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो आसाम के एक एक बच्चे को रोजगार दिया जाएगा दोस्तों। और जिस स्पीड से हेमंत बाबू रोजगार दे रहे हैं, मुझे लगता है 100 साल लगेंगे कम से कम सबको रोजगार देने के। आज शिक्षा का बुरा हाल है। अभी अभी मान साहब ने बताया कि इनके परिवार में किसी ने स्कूल बनवाया, अपना प्राइवेट स्कूल। किसने स्कूल बनवाया इन्होंने? इनके परिवार में स्कूल बनवाया है किसी ने, प्राइवेट स्कूल। बताते हैं लाखों रुपए फीस है। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री की पत्नी प्राइवेट स्कूल चलाएगी, उस राज्य के अंदर गरीबों को शिक्षा नहीं मिल सकती। उस राज्य के अंदर कभी सरकारी स्कूल ठीक नहीं होंगे। दिल्ली में भी पहले यही होता था, पंजाब में भी पहले यही होता था। जितने नेता थे, नेताओं के स्कूल चलते थे बड़े बड़े, फलाना स्कूल, ढिमका स्कूल, इतने बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल, लाखों रुपए की फीस होती थी। जानबूझ के इन पार्टियों ने, इन नेताओं ने सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क कर दिया, सरकारी स्कूल बर्बाद कर दिए, ताकि हर आदमी मजबूरी में अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजना चालू करे। है कि नहीं है? जानबूझ के। और हर साल प्राइवेट स्कूल में फीस बढ़ाते हैं, हर साल प्राइवेट स्कूल में फीस बढ़ाते हैं। हमारी सरकार आई, हमारे किसी एमएलए का स्कूल नहीं चलता, पंजाब में किसी एमएलए का स्कूल नहीं चलता, किसी नेता का स्कूल नहीं चलता। हमने सारे सरकारी स्कूल शानदार बना दिए दिल्ली के अंदर। मैं आप लोगों को आमंत्रण देना चाहता हूं, आप लोग आइए, जब भी दिल्ली आए आप लोग हमारे सरकारी स्कूल आके देखिएगा। सरकारी स्कूल एक बार दिल्ली के सरकारी स्कूल देखना, कितने शानदार सरकारी स्कूल बन गए। अब दिल्ली के अंदर पिछले साल 12वीं के नतीजे 99.7% नतीजे दिल्ली के सरकारी स्कूलों के आए थे। हमारे दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, रिक्शे वाले के बच्चे, मजदूरों के बच्चे। लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल निकाल के सरकारी स्कूल में भर्ती करा रहे हैं दिल्ली के अंदर। आसाम में भी हो सकता है, चाबी आपके हाथ में, आपको बटन दबाना है। झाड़ू का बटन दबाओगे तो आपके बच्चों का भविष्य बन जाएगा। यहां पे गुवाहाटी में मुझे बताया, एक ही सरकारी अस्पताल है, गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज, और वहां पे लंबी लंबी लाइनें लगी पड़ी हैं। पूरे आसाम के अंदर जितने सरकारी अस्पताल हैं, डिस्पेंसरी है, सबका बुरा हाल है। मशीनें काम नहीं करती, छतें टूटी पड़ी हैं, दवाइयां मिलती नहीं है, टेस्ट होते नहीं है। दिल्ली के अंदर भी पहले यही हाल था। आज दिल्ली के सरकारी अस्पताल सारे एयर कंडीशनड अस्पताल कर दिए हम लोगों ने, सारी दवाइयां मिलती हैं, सारे टेस्ट होते हैं, सारी मशीनें काम करती हैं, गली गली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खुलवा दिए। अब आप चाहे अमीर हो या गरीब हो, अगर आपके घर में कोई बीमार होता है, दिल्ली में उसका सारा इलाज मुफ्त होता है, उसकी दवाइयां भी मुफ्त, उसके टेस्ट भी मुफ्त उसके। आसाम में भी हो सकता है, चाबी आपके हाथ में है। आपको झाड़ू का बटन दबाना है, आपके सारे अस्पताल शानदार बन जाएंगे। आपको अपने घर के लोगों का इलाज कराने की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई खर्चा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने सुना यहाँ पे बिजली बहुत महंगी है कि नहीं है? अभी कोई मेरे को बता रहा था
200 यूनिट अगर बिजली आती है तो 1300-1200 रुपए का खर्चा आता है, 1200 रुपए, 1200 रुपए, ज्यादा उससे भी ज्यादा। और पिछले एक साल में पता नहीं कितनी बार इन्होंने बिजली के दाम बढ़ा दिए। दिल्ली में बिजली फ्री है, पंजाब में बिजली फ्री है, आसाम में फ्री बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए? केवल आम आदमी पार्टी कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। और 24 घंटे बिजली आती है दिल्ली में, यहां तो पावर कट भी बहुत लगते हैं, मुझे पता चला। बिजली जाती बहुत है, जाती है कि नहीं जाती? गांव गांव के अंदर बिजली नहीं आती यहां पे, 24 घंटे बिजली, फ्री बिजली, एक चमत्कार है। ये ऊपर वाले ने केवल केजरीवाल को ये वरदान दिया है, केवल केजरीवाल को करना आता है और किसी को नहीं करना आता। आसाम में भी बिजली फ्री हो सकती है, आसाम में भी बिजली 24 घंटे हो सकती है। चाबी आपके हाथ में, इस बार झाड़ू का बटन दबा देना अगली बार। मुझे पता चला कि आज से 7-8-9 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी जी इसी मैदान में आए थे और बोले थे ब्रह्मपुत्र यहां से निकल रही है, आपके घर घर में पानी पहुंचा दूंगा। पानी पहुंचा? पानी पहुंचा? आज केजरीवाल आया है, आज मैं कहके जा रहा हूं हमारी सरकार बना देना, एक साल के अंदर घर घर के अंदर पानी पहुंचा दूंगा। उनके वादे झूठे हैं, हमारे वादे सच्चे हैं, हम जो कहते हैं वो करते हैं। उनको आपने देख लिया, 10 साल पहले वो कह के गए थे घर घर में पानी देंगे, उन्होंने पानी नहीं दिया। आज मैं कह के जा रहा हूं हमारी सरकार बना दो, एक साल के अंदर पानी दे देंगे आपको। आज यहां माफिया की सरकार चल रही है, कोयला माफिया, कोयला सिंडिकेट, रेत सिंडिकेट, सुपारी, इतना हर हर मामले में इनके सिंडिकेट चल रहे हैं। ये वोट आपसे लेते हैं और काम केवल अपने रिश्तेदारों और अपने दोस्तों के लिए करते हैं। आम आदमी पार्टी केवल जनता के लिए काम करती है। जब मैं दिल्ली में मेरी सरकार बनी, वहां पे शिक्षा माफिया था, टैंकर, पानी के टैंकर का माफिया था, वहां पे इतने सारे माफिया थे, सारे माफिया खत्म कर दिए। पंजाब के अंदर एक एक करके सारे माफिया खत्म कर दिए। असम के अंदर हमारी सरकार बनेगी, ईमानदारी से सरकार चलाएंगे, एक एक पैसा जनता के ऊपर खर्च किया जाएगा। मैं देख रहा था कि असम का बजट 3.25 लाख करोड़ रुपए का बजट है असम का, मतलब हर साल असम सरकार आपके ऊपर 3.25 लाख करोड़ रुपए खर्च करती है। इतना सारा पैसा कहां जाता है ये पैसा? आपने कहीं कोई सरकारी काम होते दिखा? कोई सड़क बनते देखी? कोई स्कूल बनते देखा? कोई अस्पताल बनते देखा? सरकार ने कभी कोई दवाई दी आपको? आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए कभी कुछ किया? कहां गया ये सारा पैसा? कहां गया ये सारा पैसा? असम के ऊपर 1,23,000 करोड़ रुपए का कर्जा है, कर्जा ले रखा है, कहां गया ये सारा पैसा? खा गए ये लोग, इतना भ्रष्टाचार है, इतना भ्रष्टाचार है। अब तो एक ईमानदार सरकार की जरूरत है असम के अंदर, है कि नहीं है? दोस्तों, हमारा देश, भारत देश, शानदार देश है, महान देश है, महान लोग हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या भारत जैसे महान देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? जिस जिसको लगता है प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होने चाहिए, हाथ खड़े करें। ये कैमरे वाले जरा दिखा दीजिए कि
जिस जिस को लगता है कि अनपढ़ प्रधानमंत्री ठीक है, कोई बात नहीं, वो हाथ खड़े करो। भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होने चाहिए। आज 21वीं सदी का भारत है, 21वीं सदी का युवा एस्पिरेशनल युवा है, वो विज्ञान में विश्वास करता है, वो साइंस में टेक्नोलॉजी में विश्वास करता है, वो अपने लिए रोजगार चाहता है, वो भारत की तरक्की चाहता है। भारत की तरक्की कौन कर सकता है? एक पढ़ा लिखा आदमी कर सकता है। कम पढ़ा लिखा और अनपढ़ आदमी तरक्की नहीं कर सकता। मैंने प्रधानमंत्री जी का एक स्पीच सुना था, कई स्पीच है उनकी, उसमें वो कहते हैं कि मैं केवल गांव के स्कूल में गया था, उसके बाद मेरी कोई शिक्षा नहीं हुई। हमारा देश बहुत गरीब देश है। हमारे देश में किसी का अनपढ़ होना, किसी का कम पढ़ा लिखा होना कोई गुनाह नहीं है। बहुत लोग हैं जो गरीब लोग हैं, अपनी गरीबी की वजह से वो कम पढ़े लिखे हैं, स्कूल नहीं जा पाते, कम पढ़े लिखे हैं, उनको शिक्षा नहीं मिलती, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री को तो पढ़ा लिखा होना चाहिए, है कि नहीं है? अब प्रधानमंत्री जी, नोटबंदी, अगर प्रधानमंत्री पढ़े लिखे नहीं होंगे तो कितना खतरनाक बात है। प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी की, नोटबंदी में सारे देश में अफरा तफरी मच गई, कितने लोगों की नौकरी चली गई, कितने लोगों के धंधे बंद हो गए, कितने लोगों की मौत हो गई। 10 साल पीछे चला गया देश, देश की अर्थव्यवस्था 10 साल पीछे चली गई। किसी ने आके प्रधानमंत्री जी को बेवकूफ बना दिया, बोले नोटबंदी कर दो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। भ्रष्टाचार खत्म हुआ? किसी ने प्रधानमंत्री जी को आके बेवकूफ बना दिया, बोले नोटबंदी कर दो आतंकवाद खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हुआ? अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होते वो कभी नोटबंदी ना करते, कभी नोटबंदी नहीं करते। प्रधानमंत्री जी 3 किसानों के काले कानून लेके आए, पूरे देश के किसानों ने कहा कि हमें ये कानून नहीं चाहिए, ये कानून खतरनाक है, किसान इस कानून के खिलाफ हैं, सारे देश के किसान बोल रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री जी को किसी ने जाके बेवकूफ बना दिया कि ये 3 किसानों के कानून। 1 साल तक आंदोलन हुआ, 750 किसान मारे गए। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होते तो किसानों के काले कानून नहीं लेके आते। तो भारत देश को एक पढ़े लिखे प्रधानमंत्री की जरूरत है। अगली बार वोट डालने जाओ तो पढ़े लिखे को वोट देना, अनपढ़ को वोट मत देना। आप अपनी कहीं कंपनी में अप्लाई करते हो तो कंपनी वाले कहते हैं ना, इस पोस्ट मैनेजर के लिए, इस पोस्ट के लिए ये डिग्री चाहिए, एमबीए चाहिए, बीए चाहिए, एमए चाहिए। तो अगर अपनी कंपनी के मैनेजर के लिए बीए, एमए, एमए, एलएलबी की डिग्री चाहिए तो देश के टॉप के मैनेजर के लिए भी तो डिग्री होनी चाहिए ना, वो भी तो पढ़ा लिखा होना चाहिए ना। आज आप इतनी भारी संख्या में आए, इतना प्यार दिया, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊं, पर अब मेरा आना जाना लगा रहेगा आसाम में, और फिर से मैं आसाम के सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। जय आई अखोम।